नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके अपने शुभचिंतक अपाई। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी प्रियजनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को खुशियां मिले, बहुत सारी उनके स्वास्थ्य है, सेहत है, उनके घर में बच्चों को खुशियाँ मिलें, उनके परिवार में सारी खुशियाँ आएँ और मतलब कुल मिला के उनके सारे परिवार को ईश्वर सूर्यनारायण भगवान बहुत खुश रखे। सबसे पहले तो यही मेरे दिल की आवाज़ है, मन की आवाज़ है। उसके बाद से मैं बात करती हूँ अपने बच्चों से, अविवाहित बेटे बेटियाँ जो हैं उनसे। लेकिन आज का जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसमें ख़ास तौर से बेटियों के लिए उपाय है, लड़कियों के लिए उपाय है और लड़कियाँ जो हैं वो इस उपाय को ज़रूर करें। मकर संक्रांति जो है स्नान दान का पर्व है, इसमें लोग बहुत कई तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं और बहुत सारा दान पुण्य भी करते हैं, तो ये सब तो करना ही चाहिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ दूसरे स्नान दान की, कोई और बातें नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि हमारी लड़कियों को इस मौके का, इस सुनहरी अवसर का कैसे लाभ उठाना चाहिए, उनको कैसे क्या ऐसा दान करना चाहिए कि उनकी जो मुश्किल है, सबसे पहले हमारी बच्चियों की जो मुश्किल है वो ये है कि उनके विवाह में देरी पर देरी हो रही है। सबसे पहले तो आप इस नेगेटिविटी को इस दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है हर वक्त जो दिमाग में चलती रहती है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो वो इस चीज़ को आप ना सोचें। मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को कहती हूँ, लेकिन लड़कियाँ हैं कि बेटियाँ हैं वो असल में वो भी परेशान है, इसीलिए वो ऐसे सोचती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जानते हैं ईश्वर जो हैं वो सकारात्मक हैं और सकारात्मक ही हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, तो आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। अब मैं बता रही हूँ आपको कि आपको क्या ऐसी चीज़ें दान करनी है जिससे आपके विवाह के योग सुंदर बहुत जल्द से जल्द बने, और ऐसी चीज़ें कौन सी आप दान करें जिससे बहुत जल्द भविष्य में 2021 में आने वाली मकर संक्रांति से पहले आप भी सुहागन बन जाएं। तो सुहाग की चीज़ें आपको दान करनी है। मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो ये बता रही हूँ कि जो मैं उपाय बता रही हूँ वो उपाय ये बहुत पुराना है, पारंपरिक है। हमारी बड़ी बुजुर्गों को, लड़कियों को, बहुओं को, सबको मैंने देखा है इस चीज़ का दान करते हुए, और विशेष तौर से ये दान किया जाता है जो मैं चीज़ें बता रही हूँ। हालांकि चीज़ें तो और भी बहुत सारे लोग दान करते हैं, वो अलग अलग उनका मकसद होता है, कुछ स्वास्थ्य के लिए, कुछ धन के लिए, किसी के लिए। लेकिन शादी विवाह सुहाग के लिए जो चीज़ें दान की जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप जो दान करेंगे, लड़कियां जो हैं वो 13 तारीख को, कल की तारीख में इस चीज़ की व्यवस्था कर लें, और बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। और जो खर्चे वाली बात है वो भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें यहाँ खर्चा है, वो आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें। लेकिन जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दान करने की सुहाग की, वो बेटियां ज़रूर दान करें सुहाग की, ताकि उनको भी बहुत जल्दी वो सुहागन बने। तो सबसे पहले तो कहूँगी बहुत छोटी सी एक चीज़ है जो बिंदी का पत्ता, सुहाग की जो बिंदी माथे पर लगाई जाती है, वो बिंदी का पत्ता आप 14 बिंदी के पत्ते ले आएँ और सुहागनों को देना है आपने, लड़कियों को नहीं देना, अनमेरिड लड़कियों को नहीं देना है आपने, आपको सुहागनों को 14 बिंदी के पत्ते दान करने हैं। वो तो अक्सर महिलाएं, सब महिलाएं ले लेती हैं जो सुहागन होती हैं, उसमें आपको जाति पाति का कुछ भी नहीं देखना, कोई भी महिला हो सुहागन हो उसको आप बिंदी का पत्ता दे दीजिए। उसके साथ कोई तिल की मिठाई भी थोड़ी सी साथ दे दें। 14 बिंदी के पत्ते आपकी जान पहचान की हो सकती हैं, आपकी रिश्ते में भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, उनको आप 14 बिंदी के पत्ते, एक एक पत्ता, साथ में कोई एक तिल का लड्डू या तिल की गच्चक, कुछ भी, रेवड़ी, कुछ भी हो सकता है, कोई थोड़ी सी चीज़ वो भी साथ में दान दे दें। दूसरी चीज़ जो है वो है सिंदूर की डिबिया। सिंदूर की डिबिया भी आप लेके आएंगे तो 14 लेके आएंगे, और सिंदूर की 14 डिबिया आप एक एक डिब्बी सुहागन महिलाओं को दे दें, और साथ में थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ भी आपको साथ में देनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो चूड़ी की डिब्बी जो होती है, देख लीजिए आप चूड़ी एक डिब्बी में, मेरे को लगता है 24 चूड़ियाँ होती हैं, अगर आप आधी आधी तो 2 डिब्बी में कर लें उनको, और अदरवाइज एक डिब्बी पूरी की पूरी भी किसी को दे दें, और वैसे अच्छा तो यही लगेगा कि आप एक डिब्बी पूरी किसी को दे दें, तो 14 डिब्बी ला के आप 24 चूड़ी वाली 14 डिब्बी, उसके साथ थोड़ी सी मिठाई, आप एक एक सुहागन को चूड़ी की डिब्बी दे दें।
और अगली चीज़ है मेहंदी का पैकेट, बहुत सस्ता आता है, एक एक मेहंदी का पैकेट 14 महिलाओं को दे दें और साथ में थोड़ी सी को तिल की मिठाई भी दे दें, तो ये भी आसान है। अब जो पांचवी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप अफोर्ड कर सकते हो, दे सकते हो तो दें, और अगर नहीं दे सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। पीछे जो मैंने चार चीज़ें बताई हैं उनमें से आप दे दीजिए। ये है चांदी की बिछिया, ये भी सुहाग की होती है। मैं आपको बता रही हूँ सुहाग की चीज़ें बताई हैं इसलिए इसमें मैंने बता दी, हालांकि महंगी होती हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर कोई दे सकता है तो चांदी की जो बिछिया होती हैं वो आप 14 जोड़े ले आएँ, मतलब दोनों पैरों में एक जोड़ा होता है तो 14 जोड़े लेके आने हैं आपको, 14 जोड़े ला के, और आप एक एक जोड़ा चांदी की बिछिया का और साथ में कुछ थोड़ी सी मिठाई ये भी आप दे सकते हैं। तो ये पांच चीज़ें हैं, पांच चीज़ों में से जो आपको आसान लगता है, जो आप कर सकते हो अपनी श्रद्धा से वो आप करें। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ दें, सस्ती चीज़ भी दे सकते हैं। और इस चीज़ के साथ जो एक मैंने कहा है कि तिल की चीज़ ज़रूर दें, क्योंकि तिल का दान महाकल्याण, तिल की चीज़ आपको कल की तारीख 14 तारीख में आपको मकर संक्रांति वाले दिन दान करनी ही चाहिए। मीठी चीज़ सुहाग के साथ आपको मीठी चीज़ दान करनी चाहिए, और ये सुहाग की चीज़ें जब आप दान करते हैं तो आप देखिए कि आपके सुहागिन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। आप जिस खुश मन से किसी सुहागन को आप बहुत खुशी से देंगे और मन में ये भावना रखते हुए कि भगवान मुझे भी ऐसे ही सुहागन बनाए, तो देखिए फिर वो वाइब्रेशन जब जाती है और जो वो पुण्य दिन है मकर संक्रांति का, उस दिन जो निकलेगी आपके मन से, वो देखिए आपके लिए आपके सुहागन बनने के, जल्दी से जल्दी सुहागन बनने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और जब भी किसी महिला को आप जब भेंट करें, आप कोई भी वस्तु जो भी सुहाग की है और मीठा साथ में, बहुत खुश मन से दीजिएगा और बहुत मन में ये भावना रखते हुए कि ईश्वर मुझे भी बहुत जल्दी सुहागिन बनाए, ये सोचते हुए आप ज़रूर दीजिएगा। तो अपनी बेटियों से कहूँगी कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, जो चीज़ आपको सस्ती लगती है, जो चीज़ आसान लगती है वो कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगी चीज़ें दान करें। मैंने बहुत सोच समझ के आपको सुहाग के वो चिन्ह बताए हैं जो सस्ते हैं, अदरवाइज़ सुहाग की साड़ियाँ हैं, सुहाग का टीका है, मंगलसूत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं देती हैं सुहाग की, कि उनका सुहाग अटल रहे, उनका सुहाग लंबा रहे, वो सुहागिन लंबे टाइम तक रहें, उनका सुहाग स्वस्थ रहे, खुश रहे, वो इसलिए देती हैं सब। लेकिन आपको मैंने लड़कियों को सबको बहुत ऐसी छोटी चीज़ बताई है जो आप सब दे सकती हैं, तो उन लड़कियों को भी शेयर करें जो इसकी ज़रूरतमंद हैं। आपको पुण्य होगा इसका बहुत, किसी का भी भाग्य का रास्ता ज़रूर खुलेगा इससे, पर खुलना ही चाहिए। जितने लोगों के पास वीडियो जाएगा उतना ही अच्छा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आपको किसी अगले वीडियो में मकर संक्रांति के